हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार मेहता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और ये जो हमारी क्लास है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए होने वाली है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए ये क्लास है। एबीएसटी का पेपर फर्स्ट हम ले रहे हैं। पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक होगा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस चैप्टर से रिलेटेड 2 or 3 वीडियो क्लासेस आप पहले ले चुके होंगे। इससे पहले उनमें हमने देखा था कि कोई कंपनी होती है या कोई फर्म होती है, किसी दूसरी फर्म को टेक ओवर कर लेती है, यानी कि उसके बिजनेस को परचेज कर लेती है, तो उससे रिलेटेड जो भी फिक्स असेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है, जो असेट्स होती है, उन सबको परचेज कर लेती है। और उनसे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज है, जो परचेज कंसीडरेशन है, इनकी कैलकुलेशन समझी थी, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये हमने देखा था। इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि कुछ असेट्स जो टेकओवर कंपनी करती है, यानी कि जो परचेजिंग कंपनी है, कुछ असेट्स वेंडर से परचेज नहीं करती है, जैसे डेटर्स हुआ या क्रेडिटर्स हुआ, इनको जनरली छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि जो वेंडर कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट रिसीव करना चाहती है, और इस वजह से क्या होता है कि वो असेट्स को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करके दिखाती है और लाइबिलिटीज़ को थोड़ा कम वैल्यू करके दिखाती है। तो उससे बचने के लिए हमें डाउट रहता है कि भाई एक्चुअल वैल्यू दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई है, वास्तव में जितना पैसा दिखाया गया है उतना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या लाइबिलिटीज़ को जो पेमेंट करना है वो कहीं ऐसा तो नहीं दिखाया कम और हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाए। तो इस वजह से हम उन चीज़ों को नहीं लेती है। जो परचेजिंग कंपनी हो वो डेटर्स क्रेडिटर्स को जनरली इसीलिए छोड़ देती है। अब इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है? गारंटी दे दी जाती है। जो वेंडर कंपनी है वो परचेजिंग जो वेंडर है वो परचेजिंग कंपनी को यह गारंटी दे देता है कि मिनिमम इतना तो डेटर से मिलेगा ही मिलेगा, अगर इतना नहीं मिला तो बाकी जो भी पैसे कम पड़ेंगे वो मैं दे दूंगा। और लाइबिलिटीज के संबंध में वो ये कह देता है कि आपको जितना बुक में लिखा हुआ है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, अगर उससे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा तो मैं दे दूंगा। तो वेंडर ये आश्वासन दे देता है, और इसलिए दे देता है जिससे कि उसका बिजनेस इजीली बिक जाए। ऐसा वेंडर तब करता है जब उसकी बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सही है, या उसे मालूम है कि हमने सही लिखा हुआ है, ये पेमेंट रिसीव होने में कोई परेशानी नहीं आएगी, और जो क्रेडिटर्स हैं वो जितने हमने लिखे उससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी गारंटी दे दी जाती है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये हम आज देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने आज लिया हुआ है। क्वेश्चन की डिटेल्स मैं जल्दी आपको दे देता हूं। राम वॉज वर्किंग एज ए सोल ट्रेडर He sold his business to Ram Limited. Ram एक sole trader है और Ram ने अपना business Ram Limited को sell कर दिया है। ये information आपको question में दी हुई है। इसके अलावा ये कह रहा है the company took over the assets and liabilities, took over the following
द कंपनी टुक ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब कौन कौन सी असेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज ली है ये हम नीचे देख लेते हैं। तो कंपनी ने देखिए बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ये लिया है, और कितने कितने रुपए में लिया है, 60 30 10, 60,000, 30,000 और 10,000। इसके अलावा कंपनी ने क्या क्या लिया है, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स। तो डेटर्स हैं कंपनी के 50,000, 5,000, 50,000 डेटर्स है, 5,000 इन्वेस्टमेंट है, और क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स कंपनी के पास है 60,000 के। इसके अलावा प्रोविजन है पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। तो यहां तक आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब हम देख लेते हैं और क्या गिवन है आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स, राम गारंटीड दैट द डेटर्स वुड रियलाइज 45,000। राम ने यहां गारंटी दी है कि डेटर्स से कम कितना पैसा रियलाइज होगा, 45,000 रुपीज डेटर्स से रियलाइज हो गई होगा। एंड क्रिएटर्स नॉट एक्सीड दैट द बुक फिगर, क्रिएटर्स जो है वो बुक में जो फिगर है यानी कि 60,000 इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होंगे, ऐसी गारंटी दी है राम ने। दी है किसको, दी है राम लिमिटेड को दी है। यानी कि राम यहां पे कौन है, राम यहां पे वेंडर है, और परचेजिंग कंपनी कौन है, राम लिमिटेड। तो राम गारंटी दे रहा है वेंडर को, परचेजिंग कंपनी को गारंटी दे रहा है, और क्या गारंटी दे रहा है कि डेटर्स जो है वो कम से कम 45,000 का पेमेंट करेंगे ही करेंगे, यानी कि आपको 45,000 रिसीव होगा, और क्रेडिटर्स को जो आपको पेमेंट करना है, बुक में 60,000 लिखा है तो 60,000 ही क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या आई, द डेटर्स एक्चुअली रियलाइज 43,000, डेटर्स से जो एक्चुअल में पैसा रिसीव हुआ वो 43,000 रिसीव हुआ, यानी कि 2,000 रुपीज अब कौन देगा, राम देगा। किसको देगा, राम लिमिटेड को देगा। एंड क्रिएटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 62,000, और क्रिएटर्स को कितना पेमेंट करना पड़ा, 62,000। तो यहां पे 60,000 का पेमेंट करना था, जबकि हमने पेमेंट कितना किया 62 का, तो 2,000 रुपए हमने यहां पे ज्यादा पे किए, तो ज्यादा पे किए तो वो पेमेंट कौन देगा, तो वो पेमेंट हमें राम से लेना है, क्योंकि राम ने गारंटी दी थी। क्वेश्चन यहां तक है अभी, और मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। The company issued two thousand equity share of rupees 100 each. And these were taken up, सारे के सारे जो है वो सब्सक्राइब हुआ है, एप्लीकेशन पूरा मिला है, by the public and paid for Ram. Paid for Ram. Ram was issued 850 shares
इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज इन पार्ट पेमेंट ऑफ इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कंसीडरेशन द रिमेनिंग अमाउंट वॉज रिटेन द रिमेनिंग अमाउंट वॉज रिटेन्ड टूअर्ड हिज गारंटी अमाउंट तो देखिए क्वेश्चन तो अभी आगे भी है लेकिन पहले हम इतना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद क्योंकि जगह कम है अदरवाइज पूरा ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन से ही भर जाएगा फिर आंसर कहाँ पे करेंगे हम तो हम पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे तो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको राम वॉज वर्किंग एज ए सोल ट्रेडर राम सोल ट्रेडर के रूप में काम कर रहा है एकाकी व्यापारी है जितना भी प्रॉफिट होता है जो लॉस होता है वो सारा का सारा अभी राम का है लेकिन ही सोल्ड हिज बिजनेस टू राम लिमिटेड राम ने राम का बिजनेस किसको सेल कर दिया राम लिमिटेड को सेल कर दिया यानी कि राम की जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज है सारी की सारी राम ने किसको सेल कर दी है राम लिमिटेड को अब कंपनी ने क्या कह लिया द कंपनी टुक ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज राम लिमिटेड ने ये सारी असेट्स और लाइबिलिटीज परचेज कर ली तो बिल्डिंग 60,000 में ले ली मशीन 30,000 में फर्नीचर 10,000 में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 में डेटर्स 50,000 इन्वेस्टमेंट 5,000 क्रेडिटर 60,000 तो ये सारी असेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी ने परचेज कर ली है अब आगे क्या बात है राम गारंटीड दैट द डेटर्स वुड रियलाइज रुपीज 45,000 एंड क्रेडिटर्स नॉट एक्सीड दैट द बुक फिगर राम ने कंपनी को गारंटी दी कि डेटर्स जो है वो मिनिमम 45,000 का पेमेंट करेंगे कंपनी को और कंपनी क्रेडिटर्स को जितना बुक वैल्यू में लिखा है 60,000 उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर करना पड़ा तो इसके लिए कौन लाइबल होगा राम राम वो कंपनी को पैसा पेमेंट करेगा जितना भी ज्यादा किया होगा तो एक्चुअल में क्या पोजीशन आई द डेटर्स एक्चुअली रियलाइज रुपीज 43,000 तो डेटर्स से जो मिला वो 43,000 मिला था जबकि मिलना कितना था 45 तो 2,000 रुपए का पेमेंट यहां पे राम से लेना है और एंड क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 62,000 तो क्रेडिटर्स 60,000 पे करना था लेकिन हमने 62,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो यहाँ पे हमने 2,000 रुपीज़ का पेमेंट ज़्यादा किया है क्रेडिटर्स को तो ये जो पेमेंट है ये भी हमें राम से लेना है तो 2,000 तो डेटर्स के लेने हैं और 2,000 क्रेडिटर्स के लेने हैं टोटल मिला के 4,000 तो ये पेमेंट राम से लेना है द कंपनी इश्यूड 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच कंपनी ने पब्लिक को 2,000 इक्विटी शेयर 100 ईच की रेट से यानी कि 2 लाख रुपीस के शेयर पब्लिक को इशू किए हैं दीज वर टेकन अप बाय द पब्लिक एंड पेड फॉर राम वाज इशूड 850 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच राम को 850 शेयर 850 शेयर इशू किए किसने इशू किए कंपनी ने 100 रुपीस का एक शेयर है यानी 85,000 के शेयर हो गए और ये 85,000 के शेयर और ये 85,000 के जो शेयर है ये कंपनी ने राम को दे दी है परचेज कंसीडरेशन के बदले इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कंसीडरेशन यानी कि उसको थोड़ा बहुत पेमेंट दे दिया है कंसीडरेशन बाकी तो कुछ पेमेंट बचा हुआ भी है द रिमेनिंग अमाउंट वॉज रिटेन टूवर्ड हिज गारंटी अमाउंट और बाकी का जो पैसा बच गया है वो कंपनी ने क्या मान लिया कि उसकी गारंटी के लिए रोक लिया है राम ने गारंटी दी थी
तो इसलिए हमने क्या किया, राम का कुछ पेमेंट जो पूरा परचेज कंसिडरेशन था पूरा पेमेंट नहीं किया बल्कि थोड़ा पेमेंट रोक लिया, और क्यों रोक लिया, उसकी गारंटी के बदले। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। ये हमने एक कॉलम बना लिया है डेट का, ये पार्टिकुलर हो जाता है, ये एल एफ, ये डी आर, ये सी आर, अमाउंट आ जाते हैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा परफॉर्मा दिख रहा होगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये पूरा परफॉर्मा आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब शायद आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। तो देखिए राम लिमिटेड की जर्नल है, जर्नल ऑफ राम लिमिटेड, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जर्नल ऑफ राम लिमिटेड। राम लिमिटेड मतलब ये जिसने परचेज किया है, परचेजिंग कंपनी है, वो एंट्री कर रही है। जिस दिन ये असेट्स परचेज किए उस दिन हम असेट्स की एंट्री करेंगे। असेट्स परचेज करने की तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। वन टू थ्री फोर फाइव। अब क्या क्या बच गए, एक तो क्रिएटर्स, क्रिएटर्स लाइब्रेरीज है तो क्रेडिट करेंगे, टू क्रिएटर्स अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, और टू राम। यहाँ पे हमारा वेंडर राम है तो बाकी का जो पेमेंट बचेगा वो राम के अकाउंट में लिख देंगे। और यहाँ पे अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बीइंग असेट्स परचेज्ड, या बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर परचेज्ड। तो ये आपने एंट्री कर दी। अब यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं हम। तो देखिए बिल्डिंग आपने परचेज की है 60,000 की, मशीन 30,000, इन्वेस्टमेंट डेटर्स 55, ये 50,000, इन्वेस्टमेंट 5,000, क्रेडिटर्स 60 के हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है आपके पास 5,000 तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी क्रेडिट है और इसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है तो क्रेडिट में लिखिएगा 5,000। अब राम को क्या मिला, तो आप डेबिट साइड का टोटल करके लेस कर दीजिए। तो डेबिट साइड का टोटल है 60,000 प्लस 30,000 प्लस 1,00,000 10,000 और 50,000 प्लस 5,000 टोटल हो जाता है 155, इसमें से 65,000 लेस कर दीजिए तो राम को जो पेमेंट करना है वो है 90,000। तो 90,000 का पेमेंट राम का बनता है। ये पीसी आ गया आपका, और ये आपने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से। ये आपने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से आपने कैलकुलेट किया है, असेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर दिया, जो बचा वो परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब राम को पेमेंट कैसे किया है, तो राम का पेमेंट हम आपको दिखा देते हैं। डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर कौन है, हम राम लिमिटेड पेमेंट कर रही है, किसको कर रही है, राम को। तो डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 850 शेयर दिए और एक शेयर 100 का है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है राम वॉज इश्यूड 850 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इच, तो राम को 850 शेयर दे दिए और एक शेयर 100 का था, तो 850 इंटू 100 तो 85,000 के तो शेयर दे दिए, जबकि राम को देना कितना था 90। तो राम देखो, राम यहाँ पे क्रेडिट कितने से हुआ है 90 से, तो डेबिट भी कितने से होगा 90 से। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने कितने रुपए का पेमेंट कर दिया, 850 शेयर दिए, एक शेयर 100 का था, तो इसका मतलब 85,000 का पेमेंट कर दिया, तो बाकी जो पेमेंट बच गया उसे हम लिखेंगे राम्स गारंटी अकाउंट। राम्स गारंटी कितने रुपए, 90 में से 5 लेस कर दीजिए, तो 5,000 हमने रोक लिए, और किस लिए रोके हैं, गारंटी के लिए। यहां पे आप लिख दो पार्ट पेमेंट ऑफ राम, पार्ट पेमेंट टू राम, ये हमने पेमेंट कर दिया, और थोड़ा पैसा था जो हमने रोक लिया, क्यों रोक लिया, गारंटी के लिए, राम ने गारंटी दी थी इसलिए हमने राम के 5,000 रुपीज़ अभी रोक लिए हैं, उसका पेमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि राम ने गारंटी दी थी, तो हो सकता है कि उसको राम को अगर गारंटी भाई कोई एक्सेस पेमेंट नहीं किया, या हमें जैसे राम ने गारंटी दी थी 45,000, पूरा पैसा मिल जाए 45,000, और राम ने गारंटी दी थी कि 60,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और क्रेडिटर वास्तव में 60,000 से कम ही निकले, ज़्यादा नहीं निकले, तो हम बाकी का जो पेमेंट है राम को पूरा दे देंगे। लेकिन अगर राम ने कहा 45,000 का पेमेंट आपको डेटर से रिसीव हुआ होगा, हमें कम मिला पैसा, तो हम इस गारंटी अमाउंट में से राम का कुछ पैसा काट लेंगे, जितना पेमेंट हमें कम मिलेगा, तो इसलिए हमने ये पेमेंट गारंटी का अमाउंट रोक के रखा है। अब एक्चुअल पोजिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले तो शेयर इशू किए हैं, तो शेयर इशू कर देते हैं हम। तो देखिए, द कंपनी इश्यूड 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, एक शेयर 100 रुपीज का है, कंपनी ने इशू किया है, तो कंपनी शेयर इशू करती है तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारा पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितनी है, 2000 शेयर है और एक शेयर 100 का है, तो 2000 इंटू 100 2 लाख रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब एप्लीकेशन ये जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, इसके बदले में हम कैपिटल देंगे, तो कैपिटल देंगे तो कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री जो होगी वो हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन आई थी हमें, और पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करनी है, तो हमने ये शेयर दे दिए, तो 2 लाख रुपए के हमने शेयर दे दिए, या एंट्री हो गई कंपनी की। अब बात ये है कि ये जो पेमेंट हमने ज्यादा किया है क्रेडिटर्स को 2000 का, और डेटर्स से हमने कुछ पेमेंट कम रिसीव किया है, जैसे कि 45,000 के डेटर्स रिलाइज होने थे लेकिन हमें एक्चुअल में कितने रिसीव हुए, 43 हुए, तो बाकी के पेमेंट का क्या करें, बाकी का जो अमाउंट बच गया उसका क्या होगा। तो देखिए, उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को कि कितना अकाउंट में हमने सेटल किया है, कितना पेमेंट किसको दिया है, कितना कम लिया है, तो वो भी हम देख लेंगे। अब जो क्वेश्चन बच गया है वो हम लिख लेते हैं, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम थी, स्पेस थोड़ा सा कम था, इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा, अब लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला तो हो चुका है, तो ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और जाकि जिससे कि बाकी क्वेश्चन इसमें आ सके, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी एंट्री हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड, इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं।
राम फर्दर गारंटीड दैट द that the profit of the company during each of the first three years would be sufficient to declare a dividend of the at least 6%. तो देखिए यहां से हमने आगे क्वेश्चन लिखा है, राम फर्दर गारंटीड दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट थ्री ईयर वुड बी सफिशियंट टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ द एटलीस्ट 6%। यानी कि राम ने गारंटी डेटर्स और क्रेडिटर्स को ही लेकर नहीं दी, बल्कि कंपनी को नेक्स्ट थ्री ईयर के लिए मिनिमम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए इतना प्रॉफिट होगा कि कम से कम हर साल 6% डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर सके। राम ने क्या गारंटी दी है कि अगले 3 साल तक हर साल कंपनी को कम से कम इतना प्रॉफिट होगा कि कंपनी 6% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकेगी। अब यहां पे अगर डिविडेंड कम हुआ, हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जिससे कि हम डिविडेंड 6% डिक्लेयर कर सके, तो जितना कम प्रॉफिट होगा वो सारा के सारा प्रॉफिट कौन कंपनसेट करेगा? राम। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 3 साल के लिए इसने गारंटी दी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर कितना प्रॉफिट हुआ और थर्ड ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं आपको बता देता हूं। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वर ओनली सो मच that a dividend of 5% could be declared during the second year the dividend was declared at 7%। During the third year,
द प्रॉफिट वर ओनली सो मच दैट ए डिविडेंड ऑफ 4%, ए डिविडेंड ऑफ 4% could be declared. Give necessary journal entries and prepare Ram's guarantee account. तो यहां पे देखिए आपको कंपनी ने कहा, यहां पे राम ने कंपनी को कहा है कि कम से कम 3 साल तक कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा जिससे कि कंपनी हर साल 6% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकेगी। 3 साल के लिए गारंटी दी है। अब फर्स्ट ईयर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? केवल इतना प्रॉफिट हो रहा है जिससे कि कंपनी 5% डिविडेंड डिक्लेयर करने की पोजीशन में है। सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर द डिविडेंड वॉज डिक्लेयर एट 7%। सेकेंड ईयर में कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ जिससे कि 7% डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। और थर्ड ईयर की बात करें तो ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, यहां पे देखिए थर्ड ईयर के लिए कह रहा है ड्यूरिंग द थर्ड ईयर द प्रॉफिट वर ओनली सो मच दैट ए डिविडेंड ऑफ 4%, यानी कि इतना प्रॉफिट हुआ है जिससे कि 4% डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की पोजिशन हमारे पास यहां पे पता है कि फर्स्ट ईयर हमने 5%, सेकंड ईयर 7% और थर्ड ईयर हमने 4% डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, इतना ही प्रॉफिट हुआ है। अब इस पोजीशन में हमने देखिए इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज तो पता कर ली। अब गारंटी अकाउंट हम देख लेते हैं कि गारंटी अकाउंट किस प्रकार बनाया जाएगा। तो जनरल एंट्रीज अब मैं हटा देता हूं, अब तक आपने देख ली होगी गारंटी के 5000 हमने रोके हुए हैं। ये जो गारंटी के 5000 रोके हुए हैं हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे हम टी शेप अकाउंट बना देते हैं। राम्स गारंटी अकाउंट, ये जो कॉलम है इसे हम पर्टिकुलर कह देते हैं। ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये फिर से अमाउंट। टी शेप अकाउंट बना रहे हैं बाय राम। हमने एंट्री की थी राम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू राम्स गारंटी। तो यहाँ पे जो राम्स गारंटी की थी, 11th 12th में आप जर्नल पढ़ चुके हैं जर्नल लेजर, तो लेजर किस प्रकार बनाई जाती है उसी तरीके से हम लेजर बना रहे हैं। राम को हमने डेबिट किया था और राम्स गारंटी को क्रेडिट किया था 5000 से। तो राम्स गारंटी अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय राम कितने रुपए से, 5000 से। तो राम के कितने पैसे थे, 5000। अब हमें पेमेंट करना पड़ा, किसको पेमेंट करना पड़ा, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स को जब हमने पेमेंट किया होगा तो हमने गारंटी राम की गारंटी अकाउंट के बिहाफ पे किया था। तो हम एंट्री करेंगे राम्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपए पेमेंट किया था क्रेडिटर्स को ज्यादा, क्रेडिटर्स को हमने 2000 रुपीज का पेमेंट ज्यादा दिया था।
राम ने कहा था कि 60,000 का पेमेंट करना होगा, लेकिन हमने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट दिया था, 62,000 रुपीज का पेमेंट हमने ज्यादा दिया क्रेडिटर्स को, तो वो पेमेंट कौन पे करेगा, राम पे करेगा। तो राम के गारंटी अकाउंट में से हम काट लेंगे कितने रुपए का पेमेंट, 2,000 जो हमने क्रेडिटर्स को दिया था। इसके अलावा डेटर्स से हमें कम रिलाइज हुआ था, डेटर्स ने कहा था 45,000 का पेमेंट रिसीव होगा, लेकिन एक्चुअल में जब हमें रिसीव हुआ तो केवल 43,000 ही रिसीव हुआ। 45 के लिए कहा, 43,000 मिला, तो 2,000 हमें कम मिला। तो जो पेमेंट कम मिला हम वो किससे ले लेंगे, राम से ले लेंगे, राम की गारंटी अकाउंट से काट लेंगे 2,000। फिर फर्स्ट ईयर है, अभी ये फर्स्ट ईयर की एंट्री चल रही है। अब बात आती है कि हमने कितने शेयर इशू कर रखे हैं। तो देखिए कंपनी यहां पे राम लिमिटेड ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं, पब्लिक को 2,00,000 शेयर तो पब्लिक को दिए थे, यहां पे लिख लेते हैं हम, यहां पे लिखिए क्या, इसको यहां से हटा देते हैं। अब तो देखिए पब्लिक को हमने 2,00,000 रुपए के शेयर इशू किए हैं, और राम को भी तो शेयर दिए थे 85,000 के, तो टोटल राम लिमिटेड ने 2,85,000 के शेयर इशू कर रखे हैं। ये किसने इशू किए हैं, राम लिमिटेड ने। ये राम लिमिटेड एक कंपनी हो गई, कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं, 2,85,000 के शेयर इशू कर रखे हैं। जब डिविडेंड देगी तो सबको देगी, तो कितना परसेंट डिविडेंड देना चाहिए, 6% ये डिविडेंड देना चाहिए। अब राम कौन है, जो राम है अकेला जिसको हमने शेयर दिए थे, राम ये कौन है, शेयर होल्डर, क्योंकि ये इसने भी तो कंपनी के शेयर ले रखे हैं। अब राम को कितने शेयर दिए थे कंपनी ने, तो राम को 85,850 शेयर दिए थे, और एक शेयर 100 का था, तो 85,000 के शेयर राम को भी मिले थे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 850 शेयर मिले थे, 100 रुपीज की रेट से मिले थे, 85,000 के मिले थे। तो देखिए कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, पहले साल का डिविडेंड कब कंपनी पे कब करेगी, तो पहले साल जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो सेकंड ईयर में पे करती है, और सेकंड ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसे पे कब करेगी, थर्ड ईयर में पे करेगी, और थर्ड ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसे फोर्थ ईयर में पे करेगी। तो इस तरीके से डिविडेंड का पेमेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया देखते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट ईयर में कंपनी का डिविडेंड 5% ही हो पा रहा है डिक्लेयर, जबकि राम ने क्या कहा था कि इतना पेमेंट, इतना प्रॉफिट होगा जिससे कम से कम 6% डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों सालों में हर साल कंपनी कितना पेमेंट, कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकेगी, 6%, जबकि फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, केवल 5% डिविडेंड डिक्लेयर कर सके, इतना प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है। तो जितना भी पैसा कम हो रहा होगा या जितना भी प्रॉफिट कम हो रहा है वो सारा के सारा हम किससे लेंगे, राम से। कितना, तो देखिए टोटल हमें 2,85,000 के शेयर इशू है पब्लिक में, तो इसका 1% पैसा हम किससे ले लेंगे, राम से। तो जो भी हम राम से लेंगे वो कितना लेंगे, 2,85,000, क्योंकि हमने टोटल शेयर जो मार्केट में इशू किए हैं वो कितने किए हैं, 2,85,000 के शेयर मार्केट में इशू है, 2,00,000 के तो पब्लिक को, राम को दिए 85,000 को, तो टोटल 2,85,000 के शेयर मार्केट में इशू कर रखे हैं, इनका 1% डिविडेंड हम किससे लेंगे, राम से। 6% डिविडेंड डिक्लेयर करना था, 5% का प्रॉफिट हमारे पास है, 1% का प्रॉफिट कम हुआ, तो जो प्रॉफिट कम हुआ है वो हम किससे ले लेंगे, राम के गारंटी अकाउंट से काट लेंगे। 2,85,000 का 1% हो जाता है 2,850। अब टू साइड का टोटल कर दीजिए आप, तो आप देखेंगे कि 6,850 ये टू साइड का टोटल हो रहा है, बाई साइड का टोटल भी बराबर होगा 2,86,850 ही होगा, इसमें से 5,000 लेस कर दो तो 1,850, ये आपके पास बाय बैलेंस सीडी बच जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर का
क्लोजिंग बैलेंस। तो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जब नेक्स्ट ईयर होता है, यानी कि ये फर्स्ट ईयर है, अब जब सेकंड ईयर होगा तो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1850। अब देखिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने फर्स्ट ईयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको सबको डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा? 6% के बराबर। जितने शेयर होंगे, अगर आपके पास 10,000 रुपए के शेयर हैं तो उसका 6% डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो मिलेगा कब? सेकंड ईयर में मिलेगा। तो राम भी तो कौन है? राम भी एक शेयर होल्डर है। राम के पास कितने शेयर है? अरे राम के पास 85,000 रुपीज के शेयर है। राम को हमने 850 शेयर दिया था, एक शेयर 100 रुपए का दिया था, तो 85,000 के जो शेयर है वो भी राम के पास है। तो राम को कितना डिविडेंड मिलना चाहिए? तो राम को 85,000 का 6% डिविडेंड जो फर्स्ट ईयर में हमने डिक्लेयर किया था वो राम को कब मिल जाएगा? सेकंड ईयर में। तो राम को जो डिविडेंड मिलेगा वो बाई साइड में लिखेंगे हम, तो बाय डिविडेंड। कितना डिविडेंड मिल गया राम को? राम को मिलेगा 85,000 का 6% डिविडेंड। तो 85,000 का आप 6% कैलकुलेट कर लीजिए, 85,000 का 6% हो जाता है 5,100। तो राम को 5,100 का डिविडेंड सेकंड ईयर में रिसीव हुआ होगा। अब 5,100 में से आप लेस कर दीजिए 1850 को, तो 5,100 में से 1850 को जब आप लेस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा 5,100 में से 1850 को आप लेस कर दीजिए, जो बैलेंस आएगा वो हो जाता है 3,250। कितना हो जाता है? 3,250 टू बैलेंस सीडी, ये बच गया। तो 5,100 और यहां पे भी 5,100। अब देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस सीडी है, तो नेक्स्ट ईयर जब थर्ड ईयर जाएगा तो बाई साइड में जाएगा, अपोजिट साइड में जाता है ये, तो बाय बैलेंस बीडी। तो थर्ड ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो बाई साइड में आएगा, क्योंकि जो बैलेंस बचा था वो टू साइड में बचा है। नेक्स्ट ईयर जब ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट साइड में चला जाता है बैलेंस 3,250। यही था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात एक है कि फर्स्ट ईयर में जितना भी डिविडेंड कम पड़ा था वो हमने राम से लिया, तो सेकंड ईयर में क्यों नहीं लिया? तो देखिए सेकंड ईयर में क्यों नहीं लिया, क्रेडिटर्स और डेटर्स की गारंटी तो पहले ही खत्म हो चुकी, जितना मिलना था मिल चुका, जो कम मिला था वो हमने ले लिया। अगर डेटर से कम पैसा रिलाइज हुआ था तो हमने राम का काट लिया, और क्रेडिटर्स को ज़्यादा पेमेंट दिया था तो वो भी हमने राम से ले लिया, तो डेटर्स क्रेडिटर्स की गारंटी तो खत्म हो चुकी। अब बात है डिविडेंड डिक्लेयर करने की गारंटी। तो डिविडेंड देखिए फर्स्ट ईयर में गारंटी थी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इतना प्रॉफिट होगा जिससे कि हर साल कम से कम कंपनी 6% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकेगी शेयर होल्डर को। फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर करने के प्रॉफिट हुआ वो हमारे पास केवल इतना था जिससे कि हम 5% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, तो 1% जो कम हुआ वो हमने राम से ले लिया। लेकिन सेकंड ईयर में हमारे पास इतना प्रॉफिट था जिससे कि हम 7% डिविडेंड दे सकते हैं, तो यहाँ पे तो जितनी गारंटी दी थी उससे ज़्यादा हो रहा है तो हम राम से लेंगे ही नहीं, तो इसलिए हमने राम से देखिए सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं लिया। सेकंड ईयर में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास इतना प्रॉफिट था जिससे कि हम 7% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। राम से हमको तभी लेना है जब हमारे पास डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो प्रॉफिट है वो 6% से कम हो। 6% से ज़्यादा होगा तो राम से नहीं लेना, 6% से कम होगा तो हम राम के गारंटी अकाउंट से काटेंगे। तो सेकंड ईयर में हमारे प्रॉफिट ज़्यादा था इसलिए नहीं काटा। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड ईयर में हमारा बैलेंस है 3,250 और थर्ड ईयर में हमें डिविडेंड भी मिलेगा बाय डिविडेंड। अब आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? तो देखिए राम के पास 85,000 शेयर है, और भाई 85,000 रुपीज़ के शेयर है, और राम को जो डिविडेंड मिलेगा वो सेकंड ईयर का डिविडेंड मिलेगा थर्ड ईयर में,
थर्ड ईयर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कब रिसीव होता है, सेकंड ईयर का कब रिसीव होगा, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर में, इस तरीके से डिविडेंड रिसीव होता है। तो 85,000 थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का सेकंड ईयर का जो डिविडेंड है वो थर्ड ईयर में रिसीव हो जाएगा 85,000 का 7%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने 7% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो 5950 कितना, 5950 आपका 7% बनता है। टोटल डिविडेंड यहाँ पे टोटल हो गया इसका 3250 9200 अब थर्ड ईयर की बारी आ गई। तो थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो हमें केवल इतना प्रॉफिट हुआ है जिससे कि हम 4% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो भी पैसा कम हुआ वो हम किससे ले लेंगे, तो यहाँ पे हम फिर वो राम से ले लेंगे। तो 2 सरप्लस कितना प्रॉफिट लेंगे आप, तो देखिए 2,85,000 का डिविडेंड डिक्लेयर करना है 6% और हमारा प्रॉफिट हो रहा है 4%। तो यहाँ पे 2% हमें कम प्रॉफिट हुआ है, तो 2% हम किससे ले लेंगे, राम के गारंटी अकाउंट से काट लेंगे। 285,000 का 2% ये हो जाता है 5700। तो 5700 रुपीज़ हमने राम के गारंटी अकाउंट से काट लिए। टोटल पेमेंट राम का बनता है 9200, जिसमें से 5700 जो प्रॉफिट कम हुआ था हमने उसके काट लिए हैं, और बाकी का पेमेंट 3500 बच जाता है जो हम राम को पे कर देंगे। तो 3500 जो बच गया वो हमने राम को पे कर देते हैं टू बैंक। तो ये राम का पेमेंट खत्म हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको साथ में ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप बैंक की और डेटर्स की एंट्री करना चाहें तो यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए, जब हमने इसको पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कितना किया 62,000 का। तो मैं यहां पे आपको शॉर्ट में एंट्री बता देता हूं, जिससे कि अगर आप एंट्री करना भी चाहें तो कर सकें। क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक। तो जब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा तो 60,000 पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट किया 62,000, तो बैंक के सामने 62,000 आएगा, क्रेडिटर्स के सामने 60,000 आएगा। तो बाकी का पेमेंट कहाँ गया, तो बाकी का पेमेंट हमने राम्स गारंटी अकाउंट के बिहाफ पे किया है, राम के बिहाफ पे। तो राम्स गारंटी अकाउंट में जाएगा, राम्स गारंटी अकाउंट डेबिट 2,000। तो इस तरीके से आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया। और जब डेटर्स से रिसीव किया तो कैसे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डेटर्स से जब आप रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब डेटर्स से आपको 45,000 मिलने थे, लेकिन एक्चुअल में कितने मिले, 43 मिले। तो बाकी का जो डेबिट कर देंगे आप राम्स गारंटी अकाउंट को, कितने रुपए, 2,000। तो देखिए, राम्स गारंटी अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ है, तो टू डेटर्स लिखा है आपने, ये रहा। तो राम्स गारंटी डेबिट हुआ था कितने रुपए से, 2,000 से। तो आपने डेबिट साइड में लिखा टू डेटर्स 2,000, जितने रुपए से राम गारंटी अकाउंट डेबिट हुआ है डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरह यहां पे देखिए, राम्स गारंटी अकाउंट डेबिट 2,000, जब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो भी आपने राम्स को डेबिट किया, तो यहाँ पे टू बैंक और कितने रुपए, 2,000। जितने रुपए से राम गारंटी अकाउंट डेबिट होगा डेबिट में लिखेंगे, जितने रुपए से क्रेडिट होगा क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो जो पेमेंट रिसीव हुआ है और आपने जो पेमेंट किया है डेटर्स क्रेडिटर्स को, उसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी हम फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और नए सॉल्यूशन के साथ। सी यू गाइज़।